साइज देख लेते हैं पहले, 22 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं, 22 नंबर क्या बोला गया है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया है परस्पर लंबवत, पहले ही कंडीशन बोल दिया गया है ना, लंबवत का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, ठीक है। लंबवत में ऐसा होता है, दो वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर है ना, मान के चलिए ये वाला हिस्सा क्या है, ए वेक्टर का, ये वाला किसका है, बी वेक्टर का, तो दोनों कुछ में होगा कि 90 डिग्री है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं, बोलते हैं। तो आप लोग को एक फार्मूला तो पता ही, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको स्पष्ट नहीं बोला जाए, ठीक है, कि आपको किसके लिए ज्ञात करना है, मतलब कि साइन थीटा के लिए निकालना है कि कॉस थीटा के लिए निकालना है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है क्या किसके लिए निकालना है, यहाँ पर बोला है परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं, साइन में मतलब केवल सदिश के लिए हो सकता है, अदिश के लिए भी हो सकता है, हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन आ जाए ना आपके सामने कि कुछ भी स्पष्ट ना पता हो, तो हमेशा किसके लिए निकालोगे, अदिश के लिए निकालोगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन है 28 नंबर, इसमें स्पष्ट पता है आपको किसके लिए फाइंड आउट करना है, सदिश के लिए फाइंड आउट करना है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, यहाँ पता था क्या, नहीं पता था, यहाँ पर पता था क्या, यहाँ भी नहीं पता था, ठीक है, थीटा याद करने के लिए कुछ बोला जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे, हमेशा अदिश के लिए फाइंड आउट करोगे, मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के लिए निकालोगा हमेशा, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं, आपको दोनों को मान दिया हुआ था तो आपको फार्मूला पता है, क्या होता है फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, पता है ना, ठीक है। चलो तो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट मान रख के निकाल सकते हो, दोनों को मान आपको पता ही है क्या क्या होता है। चलो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो मल्टीप्लाई करो दोनों को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, ए वेक्टर का मान कितना है आपसे, 2r प्लस 2j कैप है, pk प्लस p कैप है, ठीक है, कितना है आपको 2r माइनस j कैप प्लस k कैप, यहाँ पर क्या होता है, अगर थीटा का मान आप क्या रखो, लंबवत बोला है मतलब थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं थीटा का मान 90 डिग्री रखता हूँ तो कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉस 90 का मान जीरो पुट करोगे ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ना, मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो गया पूरा कर देना जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जीरो पुट करूँ, ठीक है, हो गया नहीं पूरा वैल्यू जीरो। चलो अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो आई का आई के साथ, ठीक है, ये मैं बताया था आई एक मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका मान मान कैसे होता है, 2 2 4, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस है, ठीक है, माइनस ए प्लस 2j कितना हो जाएगा, माइनस 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस बी के हम यहाँ पर के है, ए कितना हो जाएगा, प्लस इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, ठीक है, और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 0। यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा, उधर जाते इधर प्लस 2 हो जाते माइनस, ये बी का मान आपका कितना दिया, यही गलत करने का कि कुछ और गलत था, बस यही काम, ठीक है, सिंपल प्रैक्टिस भी देखिए, क्योंकि वो ना 30 पर ठीक है, 23 का देखना है, यहाँ पे 23 में ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपको मान दिया हुआ है ना, और बीच का कौन ज्ञात करने के लिए बोला गया ना, ठीक है। सेम फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला पता है ये वाला पता होगा, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो अलग से ऐसे डाल लिख सकते हो, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप बी वेक्टर प्लस के कैप दिया हुआ है, ठीक है, सब क्या है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही फार्मूला आपको फिर से पता है नहीं वाला फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से थीटा का मान दिया हुआ है, मतलब कोण निकालने के लिए बोला जाए, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है।
तो कॉस्ट डिटेल अगर यहाँ पर मान निकालना हो तो उसके लिए आपको ये दो ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, होना चाहिए ना, ठीक है। तो कॉस्ट डिटेल यहाँ पर निकालना होता था तो कैसे निकालना, कॉस्ट डिटेल से करते हैं ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर, उसके बाद अपॉन में क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम निकालना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर कट हो रहा है, सबसे पहले आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट सेपरेट दोनों को क्या है वैल्यू जो दी हो उसको मैग्नीट्यूड में रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर निकालना है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो दोनों को, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में वैल्यू पता है ना, ठीक है। कि लिखो अलग से लिखो भी कर दो डायरेक्ट, चलो लिख देते बाद में देखते हुए समझ लेगी यहाँ कहाँ से आ गए। तो वाई कैप है माइनस टू, जे कैप है माइनस टू, चलो मल्टीप्लाई करो वाई का ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा माइनस टू है ना, माइनस टू माइनस है फिर माइनस थ्री और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है। कितना हो गया माइनस सिक्स हो रहा है ना, ठीक है माइनस सिक्स तो कितना आ गया बेटा आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इतना, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है आपको मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों को, ठीक है। अलग अलग निकालना चाहो तो निकाल के डायरेक्ट पुट कर सकते हो और या फिर यहीं पर पुट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल लेना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, चलो क्या हो जाएगा रूट ओवर ए का मान क्या कर दिया हुआ है एक मान, चलो बताओ सकते हो क्या क्या पूरे में लेकिन माइनस में नहीं आया, सबको क्या करना है सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। कैसे निकलेंगे देखो, कभी भी मैग्नीट्यूड निकालो चाहे आपका वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है। हमेशा वैल्यू किस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी का स्क्वायर हो जाएगा। देखना यहाँ से माइनस टू का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे माइनस टू का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा लास्ट में माइनस टू है ना माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कहाँ कहाँ रख रहे हैं बी का रख रहे हैं, ठीक है, पहले ए का रखें ना अब बी का रख रहे हैं, हाँ उसी वजह से, ठीक है। क्योंकि बेटा किसी भी जो भी रखते हैं माइनस में लिख रहा ना, अब इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो सारा प्रॉब्लम जब बाहर निकलता है किसमें निकलेगा प्लस में निकलेगा, क्यों करते तो माइनस में निकलता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करते हैं जैसे ना, ठीक है, प्लस में आएगा। चलो कितना हो जाएगा यहाँ पर फोर प्लस फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा रूट ओवर कितना हो गया ट्वेल्व, ठीक है। चलो आप दोनों को वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। कॉस थीटा में सारा वैल्यू निकल दिया ना, डायरेक्ट पुट करते हैं कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का कितना है माइनस सिक्स अपॉन, ठीक है। यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान पुट करो, ए वेक्टर का कितना है रूट थ्री और बी वेक्टर का कितना है मल्टीप्लाई करो तो माइनस सिक्स अपॉन कितना हो जाएगा बारह दिया छत्तीस, ठीक है, मतलब कितना हो गया रूट थर्टी सिक्स, मतलब कितना हो गया माइनस सिक्स अपॉन सिक्स, ये दोनों कट गया कितना आ गया माइनस वन आया ना, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पर, अब बताओ मेरे को यहाँ पर कॉस थीटा का मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कितना हो गया माइनस वन, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया, हाँ ठीक है, कितना हो गया है यहाँ पर माइनस वन की बात करें तो कॉस 180 का मान कितना होता है माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हो, यहाँ पर लिखने के बजाय कितना होता है यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दूंगा कॉस 180 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस वन का मान कितना होता है 180 होता है, यहाँ से कॉस कॉस कट गया, ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा एक सौ, ठीक है। ऐसे ही आसान
आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। बीसवीं घंटा है कि 26वीं घंटा है, अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अधिस गुणन से ही सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 28 नंबर 2, क्वेश्चन में कंडीशन देखिए समझ में आ रहा है किसका है, सदिस गुणन का है, क्योंकि क्या बोला गया है यहाँ पर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोला गया है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के यहाँ पर जो मान है आप पहले लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन चाहो तो ऐसे ही बना ज़्यादा बेहतर, क्योंकि जो भी पेपर दिया रहता है एग्जाम में लिखोगे पहले तो उसके बाद आगे सॉल्व करना, तो माइनस आई कैप है प्लस 3 माइनस में पीछे के है माइनस 5 एंटर। यहाँ पर क्या निकालना है सबसे पहले आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मान निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते थे इसमें, सबसे पहले क्या करते थे, ऐसा दो रन का डब्बा बना लेना है ना, और क्या लिखोगे ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पूरा मान पुट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर चित्र दिख रहा है, आई का यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है। आई वाले पोजिशन पर फिल हो गया, अब जे वाले पर यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3 सबसे पहले। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने बताया था नीचे में पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे, क्या लिखोगे सबसे पहले आई लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ, फिर माइनस जे लिखेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद प्लस के लिखेंगे, फिर ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, बीच में माइनस में सब जगह साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद एज इट इज वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, ये स्टेप को भी बोलना नहीं, जितना भी सभी स्कूल सब ये स्टेप करना, ठीक है, तो सबका समझ में नहीं पड़ेगा। चलो अब सबसे पहले जब आई का मान निकलते हैं आई को क्या करते हैं ऑफ कर देंगे, बाकी घर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले इस वाले के साथ इधर का इधर हमेशा इधर से इधर करोगे, ठीक है। कभी भी यहाँ से यहाँ स्टार्ट नहीं करोगे, गलत हो जाएगा आंसर, ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलो इनका करो, कितना हो जाएगा चिन्ह, 10 माइनस 10 हमेशा चिन्ह को साथ मिलकर चलना है। चलो फिर 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 3 3 9 होगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस। चलो आप जे का निकालना है, फिर क्या करोगे, इसको ऑफ करके इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फाइव प्लस वन कितना हो गया, माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ऑलरेडी माइनस है तो कितना हो गया माइनस हो जाएगा ना। चलो अब इसको ऑफ करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, थ्री वन जा माइनस टू माइनस कितना हो गया माइनस फोर हुआ और यहाँ आके प्लस, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई, चलो माइनस 10 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1, फिर माइनस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 11, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर कितना हो जाती है माइनस आई के माइनस माइनस प्लस जे प्लस 11 जे के प्लस 7 के हो जाएगा ना। चलो ये किसका निकल गया आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर समान निकल गया। आप क्या निकालना है, सेकंड क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना आसानी से, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये आपको निकला हुआ है आगे जी, तो क्या करेंगे इसी का रूट कर देंगे, ठीक है, रूट ओवर रूट करके हम लोग भी क्या करोगे स्क्वायर, कैसे कैसे करेंगे जितना कैसे करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हाँ रूट तो लग गया, ठीक
कैसी याद नहीं है, यहाँ जो वैल्यू दी है इसको यहाँ पर लाके पुट करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है माइनस आई करती हुए है, मतलब आई के साथ इसका मल्टीप्लाई है माइनस वन का, दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या करोगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है ऐसे ही करना है, ऐसे भूलने पे काम नहीं चलेगा, एग्जाम में ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा सब्जेक्ट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवन का स्क्वायर, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है बेटा, स्टेप बाई स्टेप। वन प्लस इलेवन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन टू वन प्लस कितना हो गया फोर्टी नाइन, चलो कितना आ रहा है एक सौ इकहत्तर आ रहा है पक्का, हाँ आ रहा है ठीक है, कितना हो जाएगा रूट ओवर वन सेवन वन ठीक है। चलो उसके बाद ये निकल गया आपका, क्या निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ठीक है। चलो अब क्या निकालना है आपको, हाँ यहाँ पर बोला गया है यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो तो सी की दिशा में एकक सदिश क्या होगी, यही बोला गया है ना, मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर सी वेक्टर क्या है आपका एकक सदिश से, यही बोला गया है, बोला गया है ना ठीक है, सी की दिशा में तो सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एकक सदिश का मतलब यही होगा ना, ऐसे निकालते हो ना, चलो वैल्यू पुट करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास क्या है माइनस आई के प्लस इलेवन जे के प्लस सेवन अपॉन वन सेवन वन, आगे सवाल होगा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टीचर को नहीं होगा